ओके सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आपने फर्स्ट क्लास किया होगा, सो फर्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेशन एडिटर। नाउ CS1 में सो पीपल आर जॉइनिंग इन, लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स फॉर एवरीवन टू जॉइन इन एंड देन वील स्टार्ट। ओके सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड इन। सो बेसिकली लास्ट क्लास हमने इक्वेशन एडिटर सीखा था। एनी वन ऑफ यू हु हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग यूजिंग इक्वेशन एडिटर जस्ट रेज योर हैंड्स। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग द हैंड। ओके आदित्य तबनिका गुड गुड। सो दिस इज द हाई मोस्ट दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट यू शुड स्टार्ट यू नो टाइपिंग ऑन वर्ड। अगर आपका पहला पेपर है स्पेशली तो आपको डेफिनेटली अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। यू शुड गिव 1 आवर एवरी डे टू वर्ड एटलीस्ट मिनिमम, राइट? एंड दोज फॉर होम दिस इज अ सेकेंड पेपर, फॉर दो फॉर यू ऑल ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज CS1 इज डिफरेंट फ्रॉम CM1। CM1 में आप लोग के ज्यादा स्टेटिस्टिकल टाइपिंग नहीं था, बट अभी यू ऑल हैव दो स्टेटिस्टिकल टाइपिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नाउ स्टार्ट। यू ऑल हैव 2 मंथ्स टू गो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट दीज 2 मंथ्स इन वर्ड एटलीस्ट, क्योंकि आप लोग को एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम वर्ड में ही देना है। सो इफ यू हैव एट दिस थिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड कि हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिख के पढ़ ही रहे हैं, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। आप पढ़ रहे हो, दैट्स गुड, बट आप वर्ड में नहीं पढ़ रहे हो। जब आप एग्जाम देने बैठोगे वर्ड में और हम जब मॉक पेपर्स लेंगे, एवरीथिंग विल बी इन वर्ड। यू हैव टू टाइप इट डाउन, देन एट दैट मोमेंट इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। द मॉक एग्जाम्स विल बिकम डिफिकल्ट, फिर वो आपके लिए मॉक एग्जाम नहीं होगा। दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल बी यू नो प्रैक्टिसिंग इन वर्ड। तो अगर वो मॉक पेपर प्रॉपर मॉक के जैसे दो, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी यू स्टार्ट विथ योर वर्ड एवरी डे 1 आवर। सो आई जस्ट यू नो गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हो वर्ड में। इफ यू आर जस्ट गिविंग CS1, इफ दिस इज ओनली योर वन पेपर विच यू आर अपियरिंग फॉर इन सेप्टेम्बर टर्म, देन वॉट यू कैन डू इज आपने 3-4 आवर्स जो भी थ्योरी का पढ़ा, 1.5 आवर्स आर को दिया। एट द एंड ऑफ द डे फॉर दिस इज फॉर दोज जो पूरे दिन भर पढ़ते हैं, रात में दे जस्ट गो ऑफ टू स्लीप। एट द एंड ऑफ एवरी थिंग आफ्टर स्टडिंग द एंटायर थिंग ऑफ टू डेज जो भी आपका टारगेट था, आप पूरे दिन में आपने जो भी सम करा है प्रैक्टिस ऑन पेन एंड पेपर, टेक दो सम एंड प्रैक्टिस इट ऑन वर्ड। शुरू के 10-15 डेज डू दिस। दिस विल बी दिस 10 डेज विल बी फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग योर टाइपिंग स्पीड ऑन वर्ड, गेटिंग यूज टू योर की पैड, गेटिंग यूज टू हाउ टू टाइप इन वर्ड, एवरीथिंग विद इन दीज 10 डेज। आफ्टर दैट आफ्टर दीज 10 डेज आप एक नया सम लो और वो डिरेक्टली ट्राई करो वर्ड में करने का विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, बिकॉज एट द एंड एग्जाम में आपको वर्ड में ही लिखना है। सो फर्स्ट 10 डेज विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर टाइपिंग स्पीड, ठीक है? यू विल गेट टू नो योर वे ऑफ राइटिंग, योर टेक्निक्स, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट। हो सकता है किसी का टाइपिंग डे वन से बहुत अच्छा हो, किसी का टाइपिंग डे वन से अच्छा नहीं हो बिल्कुल। सो दिस एंड मेक श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम सेइंग, आप एग्जाम जिस लैपटॉप या पीसी में दोगे
आप उसी लैपटॉप पीसी में प्रैक्टिस करो अभी से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसी के यूज टू हो जाओगे. लाइक इट्स वेरी ऑब्वियसली, इट्स वेरी वेरी बिग फैक्टर, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप. इफ यू गिव मी सम अदर लैपटॉप, आई विल नॉट बी एबल टू टाइप उतना फास्ट एज आई टाइप इन माई दिस लैपटॉप. इट्स अ फैक्ट, इट्स फॉर एवरी वन. तो अगर आप सोचोगे कि अभी हम प्रैक्टिस करते हैं किसी और में, देना एग्जाम किसी और में, ये बिल्कुल गलती मत करना. आपका टाइपिंग स्पीड काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा इन अनदर लैपटॉप. सो जिस लैपटॉप या पीसी में दोगे उसी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो. इफ देर आर एनी इश्यूज यू ऑल कैन ऑब्वियसली मैसेज मी एंड आस्क मी. वर्ड हमें यूज करना है 2013 या उसके अबव का वर्जन. डू नॉट यूज इफ यू आर हैविंग 2007 2010, डू नॉट यूज दैट. कहीं से भी 2013 या उसके अपग्रेड करो एंड गेट अ न्यू वर्जन फॉर वर्ड प्रोग्रामिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर आर, क्योंकि आर में भी आपको वर्ड में ही सबमिट करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली पेपर ये तो वर्ड में ही होगा. सो दिस इज द फर्स्ट टिप विच आई विल गिव यू. आज से और मे बी फ्रॉम टुमारो स्टार्ट विद वर्ड एंड 10 डेज आपका टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगा, गेटिंग यूज टू योर वर्ड वर्ड का लेआउट, गेटिंग यूज टू योर लैपटॉप फर्स्ट 10 डेज. नाउ रेस्ट आप एक सम लो एंड डायरेक्टली ट्राई टू डू इट इन वर्ड. नाउ अगेन दिस लॉजिक गोज, पहले के जो पास्ट टर्म के पेपर्स हैं, लाइक नॉट कंसिडरिंग सेप्टेम्बर एंड अप्रैल, उसके पहले जो भी पेपर्स हैं वो सारे पेन पेपर पे थे. सो मे बी अ सम विच इज ऑफ 4 मार्क्स एंड आपको लग रहा है कि वर्ड में तो ये टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा हमें. सो मे बी वॉट आई एफ ओ डज इज दैट आइदर वो उसको 5 या 6 मार्क्स का देगा आपको इन योर एग्जाम, और MCQ भी काफी आता है इन CS1. सो दैट्स अ बेनिफिट. अगेन गोइंग विद दिस लॉजिक आई विल जस्ट गिव यू अ हेड्स अप. इन सेप्टेम्बर 2020 IFO ने बोला था कि हम CS1 एंड CS2 में MCQs देंगे, जो कि उन्होंने अच्छे से दिया था. CS1 में भी काफी MCQs थे, CS2 में कंपेरेटिवली कम थे. अगेन अप्रैल टर्म में उन्होंने एज सच कुछ बोला नहीं था, CS1 में अगेन काफी MCQs आए थे, वेरी गुड. CS2 में एक भी MCQ नहीं आया, दैट वॉज अ शॉक. ठीक है, तो हो सकता है कि इस टर्म CS1 में भी MCQ ना आए. तो डू नॉट रिलाई ऑन दिस फैक्ट कि चलो MCQ आएगा तो हमें खाली आंसर लिख देना है ABCD. नो, हो सकता है MCQ नहीं दे, या हो सकता है बहुत कम कर दे MCQ का कंटेंट, राइट? तो डू नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग कि MCQ आएगा, पेपर हम कर लेंगे. बट येस, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता है सब मुझे मैसेज करने वाले हैं, IFOA ऐसा पेपर सेट करता है दैट यू कैन इजिली कम्प्लीट इन 3 आवर्स इन वर्ड. या आइदर व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज द मार्क्स, अगर 4 मार्क्स का है और उनको लग रहा है कि नहीं ज्यादा टाइम लगेगा, सो मे बी दे इंक्रीज इट टू 5 और 6, और दे मे गिव यू इन द फॉर्म ऑफ MCQ, और दे चेंज द क्वेश्चन इन सच अ वे कि आप उसको वर्ड में कर सकते हो. और आप पूरा a student who has studied entire CS1 content very nicely, whose typing speed is also very very much good, to wo aram se 3 hours mein complete kar sakte hai apna CS1 ka entire paper. Theek hai, so these are a quick tips which I am giving you. Again, started from tomorrow. Abhi hai, aaj hai 12th July, you all have 2 months to go. So shuru ke 10 days will be building up on speed. Speed is really 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 very important factor, क्योंकि अगर आप बहुत स्लो टाइप कर रहे हो यू आर लूजिंग आउट, एंड जो बच्चा बहुत फास्ट टाइप करे दैट इज द विनिंग सिचुएशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, क्योंकि वो टाइप बहुत फास्ट कर सकता है अपना पेपर. अगेन कमिंग बैक टू CS1, एज कम्पेयर इफ आई कम्पेयर टू अदर पेपर्स लाइक CM1 और CM2 और ऑल दीज पेपर्स, बहुत कम है मैथमेटिकल टाइपिंग. एज सच कुछ मैथमेटिकल टाइपिंग है नहीं, आप लोग देख ही रहे हो, या तो आप नंबर्स में डील कर रहे हो, ठीक है, अब कोवेरियंस एक्सपेक्टेशन जो भी निकालते हो, सपोज इट्स ऑलमोस्ट इन वर्ड्स, XY, ये सब वर्ड्स में है, ज्यादा कुछ इक्वेशंस. अगर जिसने यहाँ पे CM1 दे रखा है, एनुइटीज नहीं लिखना, दैट वाज अ टास्क इन CM1, तो वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं है. सो बहुत इजी है वर्ड में लिखना फॉर CS1, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट अगेन ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो हमें करना है. टुडे व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज आज से जो भी क्लासेस हम करेंगे, मोस्टली आई विल डील इन नोटेशन फॉर्म, आई विल नॉट यूज मैथमेटिकल इक्वेशन एडिटर, ऑल्ट इक्वल टू वाला जो हमने लास्ट क्लास सीखा था. व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसा नहीं है कि IFOA ने मना किया, IFOA बोल रहा है कि आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. शुरू में उन्होंने सेप्टेम्बर टर्म के लिए शुरू में एकदम स्टार्टिंग में मना किया था, उसके बाद दे सेड ओके इट्स अप टू यू, यू कैन यूज इक्वेशन एडिटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
बट मुझे लगता है, आई फील कि इक्वेशन एडिटर से फास्टर होता है नोटेशंस लिखना. ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग देयर एग्जाम्स. आई फील नोटेशंस आर द बेटर वे ऑफ यू नो रिप्रेजेंटिंग. मैंने फर्स्ट क्लास क्यों करवाया इक्वेशन एडिटर, क्योंकि काफी लोग इक्वेशन एडिटर में कंफर्टेबल हो जाते हैं. सो इट्स ऑब्वियसली माई ड्यूटी कि मैं आप लोग को सब कुछ बताऊं, बट मैं ये भी बताऊं आप लोग को कि क्या इजियर है, क्या टाइम सेवर है, दैट इज योर नोटेशंस. ठीक है, आज के क्लास में वील डू टू थ्री सम्स टू गेट अ हेड स्टार्ट कि हम कैसे कर सकते हैं. एंड आई विल एवरीथिंग विल बी अपलोडेड. आप मेरे साथ साथ कर भी सकते हो, इट्स आप मेरे साथ करोगे तो इट विल बी बेटर. एंड आई वॉन्ट वेरी इंटरेक्टिव क्लास टूडे. सब लोग अपना कैमरा प्लीज स्विच ऑन करो. वंशिका, तनिष्क, वर्षिता, वृंद, भूमिका, राशि, मुस्कान, रितिका, मिर्जा, जैनम, एवरी वन स्विच ऑन योर कैमराज. एंड आई विल आस्क यू ऑल क्वेश्चन. अगर किसी को बीच में कोई भी डाउट है, यू ऑल कैन जस्ट रेज योर हैंड. डू नॉट जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज. रेज योर हैंड एंड देन आई कैन आस्क यू टू यू नो. ओके, सो मैक इज आस्किंग. सी, मैं टाइम इज नॉट लेस फॉर CS1. CS1 के लिए 2 महीना बहुत होता है. तो कभी भी मन में ये मत सोचो टाइम इज वेरी लेस. डू नॉट गेट इन टू दैट पर्टिकुलर ट्रिप, टाइम इज लेस वाला ट्रिप. आप इक्वेशन एडिटर सीखना अगर चाहो तो मेरा लास्ट क्लास अगर आप देखोगे तो आप ऐसे ही इक्वेशन एडिटर सीख जाओगे. तो आप 1 आवर में सीख जाओगे इक्वेशन एडिटर. तो आई विल सजेस्ट एक बार देख लो वो वीडियो, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग द वीडियो ही देख लो. तो आप आराम से यू कैन लर्न इट इन 1 आवर. एंड 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे तो हो गया. तो एक बार वीडियो एटलीस्ट देख के रखो सो दैट एटलीस्ट यू नो हाउ टू यूज इट, राइट? ऐसा नहीं, हाँ अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा. चलेगा तो ऐसे भी आप एक चैप्टर छोड़ के जाओगे तो भी चलेगा, बट आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा, है ना? सो ओके, आई विल शेयर माई स्क्रीन. एंड सबसे पहले तो वील डिस्कस अ फ्यू थिंग्स मूविंग ऑन एंड देन वील स्टार्ट विथ. गिव मी जस्ट 1 सेकेंड. ग्रेट. सो यहाँ पे ये एक हैंडबुक है जो IFOA ने रिलीज किया था फॉर अप्रैल 2021 टर्म. अगर वो इस बार भी कुछ करेंगे तो वो 1 महीना पहले ही करते हैं. सो इन दे रिलीज एनी सच काइंड ऑफ हैंडबुक्स इन ऑगस्ट. अभी उसके पहले नहीं करेंगे. सो दीज आर अ फ्यू नोटेशंस विच यू कैन यूज. अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप स्टार मार्क यूज कर सकते हो इजिली. आपको जरूरी नहीं मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना. डिविजन के लिए यू कैन यूज दिस फॉरवर्ड स्लैश. अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू जनरली यूज इन CS1. काफी बार आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखते हो. तो या तो आप पूरा वर्ड लिखो, जैसे आपने लिखा अप्रोक्स डॉट इक्वल, आप पूरा भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, पूरा भी लिख सकते हो. या फिर आप ये टिल्ट वाला साइन दे सकते हो. दिस टिल्ट साइन इज ऑन टॉप ऑफ योर टैब बटन. अगर आप अपना कीबोर्ड देखो, एंड जिन लोग आर प्रोग्रामिंग जिन्होंने स्टार्ट कर ये करना, उसमें भी हमें टिल्ड से LM फंक्शन के अंदर यूज करें. आपको याद होगा लीनियर मॉडल में बाय टिल्डे X1 X2 सो ऑन. सो ये वाला आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए यूज कर सकते हो. एट द एंड एक बहुत क्विक टिप मुझे देना है. आप लोग जब वर्ड में सॉल्व कर रहे हो एनी सच काइंड ऑफ इक्वेशन या एनी सच काइंड ऑफ थिंग जो आपको लग रहा है आप नहीं लिख पा रहे हो, जस्ट राइट इट डाउन इन वर्ड्स. इवन IFOA सेज कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है आप वर्ड में लिख, आप अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर दो, वील अंडरस्टैंड. तो जैसे यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कैसे लिखे, जस्ट राइट इट डाउन अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन वर्ड्स एंड वील अंडरस्टैंड, राइट? एट द एंड ऑफ द डे योर एग्जामिनर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, राइट? इनइक्वालिटी इज ए ग्रेटर दैन लेस दैन. तो सिंपली यू कैन जस्ट राइट पहले ग्रेटर दैन एंड देन इक्वल टू का साइन आप यूज कर सकते. क्लियर? वेरी सिंपल. ए प्रपोर्शनल टू बी. तो आप अगेन यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख सकते हो ए इज प्रपोर्शनल टू बी, राइट? आराम से इज डॉट PROP भी लिख सकते हो, इज प्रपोर्शनल टू पूरा भी लिख सकते हो, टू बी एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, स्क्वेयर रूट अगेन यू कैन जस्ट राइट SQRT एंड ब्रैकेट में यू गिव द एंटायर थिंग विच यू हैव टू राइट विद इन द स्क्वेयर रूट. क्लियर? बहुत सिंपल. सब जगह टाइप करें, हम वर्ड टाइप करें A2D पार X. यहाँ पे अगेन आप जब भी 2D पार दोगे हमेशा याद रखना
जब भी टू दी पार होता है कुछ तो हमेशा वी यूज दिस कैरेट साइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा वी यूज दिस कैरेट साइन, इसको हम कैरेट साइन बोलते हैं, विच इज अगेन देयर, अगर आप अपना नंबर पैड देखो उसमें सिक्स के ऊपर में है, सो शिफ्ट प्लस सिक्स, वो आप करोगे तो आपका आ जाएगा ए ए टू द पावर एक्स. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट. मतलब कि सपोज मुझे ए टू द पावर एक्स लिखना है, सो आई जस्ट आई थिंक आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको लिखना है ए टू द पावर एक्स तो आपने लिखा ए टू द पावर. अच्छा देखो, जैसे ही मैंने टू द पावर किया कैरेट साइन, वैसे ही कैपिटलाइज हो गया, विच इज अ थिंग इन वर्ड, मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो कुछ कुछ चीजें जैसे कैपिटलाइज होना, प्रूफ रीडिंग, रेड लाइंस एंड ग्रीन लाइंस आना. अब अगर ये आ रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन बैक स्पेस. द मोमेंट यू क्लिक ऑन बैक स्पेस, लेट मी शो यू ऑल अगेन वन सेकेंड, ये कैपिटलाइज हो गया, जस्ट क्लिक ऑन बैक स्पेस. यस वी कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ दैट, yes we can use a mixture of that. ab backspace click karoge na to apne aap small ho jayega, theek hai, it will return back to its original form, small a mein change ho jayega. so i'll just show you. to do cheez maine bataya, ek to a caret x kar sakte ho ya fir yahan pe dekho subscript and superscript ka option hai. again iska shortcut is very simple, control equal to for subscript, subscript hota hai niche jo likhte hai, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखते हैं, विच इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस. तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया मैंने, सुपरस्क्रिप्ट में चला गया, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया. दिस यू कैन डू अगेन, वापस कंट्रोल शिफ्ट प्लस करना पड़ेगा सो दैट इट कम्स बैक टू नॉर्मल. और यू कैन यूज व्हाट आई फील, व्हाट आई यूज, मैं अगर होती तो मैं क्या यूज करती, मैं यूज करती कैरेट वाला साइन. ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्ट यू कैन जस्ट यूज अंडरस्कोर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यू कैन सिंपली यूज कैपिटल आई, कैपिटल एक्स आई जे. अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सी एस वन, काफी जगह आप लोग ये यूज करते हो, काफी जगह. ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल सजेस्ट कि आप ये यूज करो रादर देन यूजिंग दिस ई टू द पावर एक्स, ई कैरेट एक्स ये भी कर सकते हो, बट मैं ये मार्क कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये क्या होगा ना, x की जगह अगर कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी एक्स, ऐसा एक बड़ा इक्वेशन है, तो इट्स इजियर टू राइट इट इन दिस फॉर्म ई एक्स पी एंड ब्रैकेट में पूरा इक्वेशन, रादर देन राइटिंग इट इन दिस फॉर्म. तो इसी में एक ही हैबिट मेंटेन करके रखो, कंसिस्टेंसी रखो अपने पूरे पेपर में. ऐसा नहीं कि आपने एक जगह एक क्वेश्चन में कुछ और करा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और ही कर दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा अरे ये सेम इंसान दे रहे एग्जाम. तो वैसा कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, दोनों के लिए फायदा है, एग्जामिनर के लिए भी एंड आपके लिए भी. क्लियर? नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी एस वन में आप लोग काफी बार यूज करते हो एक्स बार बी टू दी बी हैट. तो बी हैट हम कैसे लिखेंगे, बी टू दी पार जस्ट राइट हैट, टू दी पार नहीं देखे, आई विल सजेस्ट ये वाला करना. वाई नॉट टू दी पार, टू दी पार इज नॉट मेकिंग सेंस, राइट? टू दी पार कैरेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू दी पार के लिए. तो बी टू दी पार हैट देना थोड़ा वेग हो जाएगा, इट्स बेटर कि आप बी हैट लिखो, एक्स बार लिखो. इसीलिए मैंने ये मार्क किया. क्यों मैंने ये मार्क किया, अगेन एक कंसिस्टेंसी रखने के लिए, दिस इज व्हाट आई फील कि ये सही है, रादर देन यू नो बी टू दी पार ये हो जाएगा, इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा. ऑल्दो इट्स एक्सेप्टेबल, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला लिखो, बी हैट. सिंपल, एकदम समझ में आ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो. B hat, A alpha hat, A hat, whatever it is. Alpha कैसे लिखेंगे? You can use just simple words में alpha, sigma. आप लोग के syllabus में क्या क्या है? Mu है, sigma है, alpha है, beta है, theta, phi है, बहुत कम use करते हो, lambda है, then delta है, और इसको छोड़ के बाकी कुछ ज्यादा आपके syllabus में है नहीं. So these are the things which are there in your syllabus. Now let me just show you all another thing. यहाँ पे if you go to insert, यहाँ पे symbols बोल के है. In this symbols section, if you just click on more symbols, तो यहाँ पे Greeks में you will get all of these symbols. आप जब Greek में जाओगे तो यहाँ पे you will get all of these symbols.
ठीक है, फाई मिल गया मुझे, सिग्मा मिल गया, ऐसे करके आपको अल्फा भी मिल जाएगा, बीटा मिला, ठीक है, डेल्टा मिला, थीटा मिला, सो ऑल ऑफ दीज, लैम्डा, ऑल ऑफ दीज आर योर म्यू. आप या तो इसको सिलेक्ट करो इक्वेशन सिंबल में जा जाके, या फिर आप टाइप करो. अगेन अगर मैं एग्जाम देती, मैं टाइप करती इंस्टेंट. इट्स बेटर ना कि आप अल्फा 5 लेटर, 4-5 लेटर टाइप कर रहे हो, रादर देन जस्ट गोइंग टू इंसर्ट. आप जितना कम अपना माउस का यूज कर सकते हो एंड जितना ज्यादा हमेशा कीपैड का यूज करोगे तो बेटर है, क्योंकि आपका हैंड्स एक जगह रहेगा, आपका हैंड्स नहीं हिलेगा, सो इट विल नॉट वेस्ट टाइम. अगेन ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स डू काउंट आप लोग को, क्योंकि सीएसए में काफी जगह अल्फा, सिग्मा, म्यू एंड बीटा, ये 4-5, लैम्डा, ये 4-5 चीज काफी बार यूज करना है. सो इट्स बेटर कि आप टाइप ही करो रादर देन यूजिंग दीज सिंबल्स अगेन एंड अगेन गोइंग ऑन हर एंड यूजिंग. हाँ, आप कुछ रिसेंटली यूज में डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैंने अल्फा पे क्लिक करके इंसर्ट किया तो ये रिसेंटली यूज में आ जाता है. देखो यहाँ पे अल्फा आ गया. रिसेंटली यूज वाले में अगर आप पाउंड्स रखोगे इट्स बेटर, क्योंकि पाउंड्स या डॉलर्स, डॉलर्स तो आपके कीबोर्ड में होता है, सो यू कैन यूज 4 के ऊपर होता है डॉलर, यू कैन यूज दैट. एंड पाउंड्स यहाँ पे रखो, कोई कुछ मनी टर्म्स में है तो ऑब्वियसली पाउंड्स लिखना पड़ता है. बट अदर देन दैट डू नॉट यूज सिंबल्स, जस्ट टाइप इट डाउन इन वर्ड्स, इट्स एनी डे बेटर. ठीक है, अगेन अ टिप, क्यों मैं ये सब बता रही हूँ, दीज विल सेव योर टाइम. डू नॉट क्वेश्चन मी कि मैम मैं, मुझे तो नहीं मन, मुझे मन है कि मैं सिंबल से करूँ, आपका मन है, बट क्योंकि आई एम सिटिंग हियर सो इट्स माई राइट दैट आई एक्सप्लेन यू द इजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड एंड द क्विकेस्ट मेथड. राइट, इन्फिनिटी कैसे लिखेंगे, INF लिख दो बेस्ट, या इन्फिनिटी पूरा लिख दो, एनीथिंग अगेन इन वर्ड्स. ये वाला चीज आप लोग काफी बारी यूज करोगे, डेरिवेटिव्स, f-x, सिंपली f, और ये डैश कहाँ से आएगा देख लो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, f आपके डबल कोट्स के नीचे ही है डैश, एंड यू जस्ट गिव दिस ब्रैकेट f-x. डबल डैश में क्या करा मैंने, डबल डैश दे दिया, ट्रिपल डैश दे दिया, खत्म. ये एक चीज आप लोग काफी बार यूज करते हो. एक होता है डेल एफ बाय डेल एस, दिस विच इज एक्चुअली पार्शियली डिफरेंशिएशन, जो आप लोग एमएलई में करते हो. एमएलई में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसमें लिख दो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया df बाय dx या वॉट एवर इट इज, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, या ऊपर में लिख दिया नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन. तो वर्ड अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएटिंग लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आपने सही लिखा है. अगर आप खाली df बाय dx लिख के छोड़ दोगे और एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जामिनर को समझ में आए, नहीं, एग्जामिनर 0.5 मार्क्स डिडक्ट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर रहे हो. क्लियर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर CS1, तो ये आपको पूरा लिखना है दैट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग. सो यू जस्ट राइट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख दो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग व्हाट एवर इट इज. क्लियर, देख लो d2f एंड बाय dx2, सो दिस इज आल्सो अगेन द सेम थिंग. इंटीग्रेशन अगेन यू यूज इट अलॉट इन CS1, उतना ज्यादा नहीं बट अगेन यू यूज इट. तो इंटीग्रेशन कैसे हम लिखते हैं, वी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सिग्मा में भी सेम, प्रोडक्ट में भी सेम लॉजिक यूज होता है. इंटीग्रेशन कर रही हूँ, सो जस्ट राइट INT, ठीक है, देन यू स्टेट द लिमिट्स. हमेशा याद रखना लिमिट्स आप स्टेट करो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, a, b. अगर ये a टू इंफिनिटी जाता तो क्या लिखते, a, INF. 0 टू इंफिनिटी जाता तो 0, INF. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाता तो क्या लिखते, -INF, INF. क्लियर, क्लियर एवरीथिंग. चलो नेक्स्ट, कोलन देके जो भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे f-t कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ पे लिख दो f-t. दिस यू कैन राइट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सो आई विल एक्सप्लेन इट यू इन द वर्ड. देख लो सपोज हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, INT लिखा मैंने, अगेन यू कैन राइट इट इन कैपिटल्स एज वेल एंड स्मॉल. कैपिटल्स में लिखो बेटर रहेगा, कैपिटल में कैसे लिखोगे, शिफ्ट को प्रेस करके INT लिखो, बार बार कैप्स लॉक ऑन कैप्स लॉक ऑफ करने से बेटर है, शिफ्ट को प्रेस करके INT लिखोगे तो वो अपने आप कैपिटलाइज हो जाएगा. ब्रैकेट में सपोज दे गया मैंने -∞ to ∞, दिस इज माई लिमिट्स विच आई हैव स्टेटेड इन माई फर्स्ट ब्रैकेट. कोलन दिया मैंने, कोलन देने के बाद
थर्ड ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी इंटीग्रेट करना है, सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है ए बी एक्स, तो कितना सिंपल है, ए प्लस बी एक्स। सो दिस इज माई लिमिट, क्या कर रहे हो, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसको इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। सपोज समेशन होता, आप लोग काफी बार ही समेशन भी करते हो ना, जब आप लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन करते हो, सो आप समेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, अगेन द सेम लॉजिक, एस यू एम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जनरली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं करते समेशन, बट वट एवर इट इज, एंड देन फिर एक कोलन दे दो वापस से ब्रैकेट में, जो भी आप जिसको भी सम कर रहे हो, सपोज ए एक्स को कर रहे हैं, दिस इज फॉर सम। प्रोडक्ट यूज करते हो एमएलई में, प्रोडक्ट वो पाई वाला साइन जो यूज करते हो प्रोडक्ट वाला, सो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट टाइप इट ऑन, प्रोडक्ट ब्रैकेट में वापस से, सपोज 0 से 10 कर रहे हो या जो भी जिसका भी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, कोलन देके सेम। सो दिस इज हाउ यू गिव इट इंटीग्रेशन, समेशन, प्रोडक्ट। देख लो समेशन, देखो या तो सम, मैंने ये वाला यूज करा है, सम फर्स्ट ब्रैकेट में ए कॉमा बी, फिर मैंने ये वाला साइन दिया कोलन एंड म्यू टी, सिग्मा भी लिख सकते हो, आई विल गो विथ सम, क्यों, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे मैंने ये यूज करा है। क्लियर क्लियर, यहाँ पे मैंने एक और चीज डाले, मैंने यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज करा है, इफ यू सी, क्यों किया मैंने थर्ड ब्रैकेट यूज, बिकॉज आप इसको अकेले नहीं लिखोगे, आप पूरे इक्वेशन में लिखोगे, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड डिस्टिंग्विश कि आप क्या लिख रहे हो, सो इट्स बेटर कि आप उसको एक ब्रैकेट में दे दो, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए भी देख लो, प्रोडक्ट लिखा एंड देन सेम थिंग, आप पूरा पूरा लिखना चाहो तो पूरा प्रोडक्ट ओवर ए टू बी, थोड़ा लॉन्ग हो गया, इट्स बेटर कि हम ये वाला अप्रोच फॉलो करें। सिंपल क्विकली 2 मिनट्स में कुछ कुछ स्टेटिस्टिकल नोटेशन है। एक्सपेक्टेशन सिंपल ई लिखो ब्रैकेट में जिसका भी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई, आप या तो ये लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, यू कैन राइट इट डाउन इन वर्ड्स, और व्हाट यू कैन डू इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये जो गिवन वाला साइन है एंटर की के ऊपर देखना, एंटर की के ऊपर देखना, इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, एक्स गिवन वाई, शिफ्ट प्लस वो वाला बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे भी लिखो चलेगा, और व्हाट यू कैन राइट इज एक्स गिवन बाय। मैं क्या करती, मैं ये यूज करती बिकॉज इट सेव्स टाइम। भूल से अब बच्चा अगर ये दे दे या ये दे दे, गलत हो गया ना, एक्स डिवाइड बाय वाई हो गया, ये भी एक्स डिवाइड बाय वाई कंसिडर होगा, तो ये मिस्टेक अगर आप, आपका टेंडेंसी है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो एग्जाम में, इट्स बेटर आप लिखो गिवन बाय, ठीक है, इट्स बेटर आप ये लिखो। अगर आपका टेंडेंसी है ऐसा कुछ मिस्टेक करने का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेरियंस वी लिखा, अंदर जो भी आपको लिखना है, कोवेरियंस के लिए भी सेम थिंग, काई स्क्वेयर एम, काई स्क्वेयर एंड कोलन एम अंडरस्कोर एम, या फिर पूरा लिखो काई स्क्वायर विथ एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आई विल सजेस्ट ये वाला बेटर। पूरा वर्ड में लिख दिया मैंने काई स्क्वायर अंडरस्कोर एम, एनसीआर बाइनोमियल में लिखते हो ना, एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, तो उसके बदले ये पूरा लिखो एन चूज आर, आई विल सजेस्ट कि आप ये करो। चूज फंक्शन जो आप लोग उसमें करते हो आर में, सेम थिंग, चूज ब्रैकेट में एन कॉमा आर एंड उसके बाद जो भी पूरा इक्वेशन। क्लियर, दीज आर नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, हमें इतना ही डिस्कस करना था। वेरी सिंपल एक्चुअली, CS1 का टाइपिंग इज वेरी सिंपल, बट कब होगा सिंपल, जब आप करोगे टाइप, राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट आपका टाइपिंग स्पीड। अब अच्छा नेक्स्ट मैसेज, बहुत जन पूछते हैं मैम व्हाट शुड बी द टाइपिंग स्पीड, 1 मिनट में कितना वर्ड्स टाइप करना है, नहीं आपके ऊपर है, मैंने ये आई गेस लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो और मुझे बताओ, आप लोग को टोटल मिलता है 3 आवर्स, विच इज हाउ मच, 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलते हैं, मान लेते हैं 3 आवर्स मिलते हैं, कितना मिनट्स हुआ, 3 × 60 180 मिनट्स हुआ, पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, तो बस डिवाइड करो 100 बाय 180,
करके बताओ मुझे, सॉरी 180 बाय 100 करके बताओ कितना मिनट्स मिलेगा एक मार्क को? 1.8 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, 2 मिनट्स मत बोल देना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट्स मान लेते हैं। 4 मार्क का कोई क्वेश्चन है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 6 मिनट्स, मोर देन 6 to 7 मिनट्स नहीं लेना चाहिए 4 मार्क का क्वेश्चन। 10 मार्क का क्वेश्चन 15 मार्क, 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन 15 मिनट्स से ज्यादा मैक्सिमम बता रही हूँ नहीं लेना चाहिए। जब तक वो रीच नहीं हो तब तक आपका टाइपिंग स्लो है, ठीक है? सो दैट शुड बी योर टारगेट, दैट इज हाउ वी डू इट, राइट? ओके ग्रेट। सो मैंने ऑलमोस्ट बेसिक्स डिस्कस किया है, वी विल सॉल्व 2 सम्स, वेरी शॉर्ट सम्स जस्ट फॉर गेटिंग अ हेड स्टार्ट, ताकि आप कल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एंड CM1 का जो मैंने लास्ट वीक क्लास रखा था, ट्रस्ट मी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी, जो एवरी डे वो प्रैक्टिस करते हैं ना उसका वर्ड मुझे भेज देते हैं। ऑब्वियसली इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक सबका सेपरेटली, बट एटलीस्ट एक मुझे भी है एंड उनको भी है कि उनको करके मुझे भेजना है। सो यू ऑल कैन ऑल्सो डू दैट, यू ऑल कैन सेंड इट टू मी इन पर्सनल चैट एंड टेलीग्राम। आप करो एवरी डे, कभी हुआ अगर मैं किसी का रैंडमली मैंने खोल के देख लिया एंड मुझे कुछ मिस्टेक मिला, आई गाइड यू। ऐसे कोई मिस्टेक होगा नहीं आई एम श्योर, क्योंकि आप लोग को समझाने एंड वील कीप मोर क्लासेज जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट इट्स वेरी 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 ट्रस्ट मी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से स्टार्ट कर दो वर्ड पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम आपको वर्ड पे ही देना है, राइट? सो लेट्स सॉल्व क्विकली 2 सम्स, बहुत ही ईजी सा सम्स मैंने लिया, आई डोंट हैव माई कैलकुलेटर, आपको निकालना है कैलकुलेटर, आपको मुझे बताना है कैसे सॉल्व करेंगे एंड मेरे साथ साथ आपको करना है, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अभी तक एनी डाउट्स, यू ऑल कैन जस्ट टाइप इट डाउन इन द चैट बॉक्स और हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट नहीं है? लेट मी जस्ट सी द चैट बॉक्स, ठीक है? चलो कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। Let's read the first question. Okay. A survey showed that 40% of investors invest in at least 2 companies in order to diversify their risk. Let X be the random variable denoting the number of investors. X is the number of investors. Okay. Who have invested in more than 1 company in a random sample of 300 investors. So let X be a random variable denoting the number of investors who have invested in more than 1 company. So out of 300, हम उनको ले रहे हैं जिन्होंने more than 1 company में invest किया, right? And 40% हमें पता है investors at least यानी कि 1 से ज़्यादा company में invest करते हैं. Clear? X follows what? Anyone? Just raise your hand. X follows what? Chat box use कर लो. हाँ महक मैम, बायनोमियल 300.4। ग्रेट। एक्स इज द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन मोर देन 1 company। 300 इन्वेस्टर्स हैं, 40% इन्वेस्टर्स मोर देन 1 company में इन्वेस्ट करते हैं, सो एक्स फॉलोज बायनोमियल 300.04। सिंपल, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, देख लो पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 100। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि हम वर्ड में कैसे लिख सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, वर्ड में अगर आप देखो मैंने क्या किया है, ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन तो नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा आंसर पे जाओगे। बोल्ड में अगर आप करो एंड लिखो आंसर 1 क्लियरली, कितना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी कि उनको आप बता रहे हो कि कुछ हाईलाइट कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग आंसर 1, बोल्ड कर दोगे तो सही रहेगा। बोल्ड के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल बी, ठीक है? कंट्रोल बी हमने यूज किया। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अगेन फर्स्ट पार्ट को अगर आप बोल्ड में अगेन करो, ऐसे मैंने ब्रैकेट खोल के आई लिख दिया, वन लिख दिया, आई लिख दिया, तो एग्जामिनर को अगेन ईजी रहेगा समझने में। गिव अ स्पेस, ये अपने आप बुलेट फॉर्म में चला गया, कंट्रोल बी, बोल्ड हटा दिया मैंने। तो फर्स्ट लाइन मुझे क्या लिखना है? एक्स कैपिटल एक्स फॉलोज, या तो आप पूरा लिखो फॉलोज अ बाइनोमियल, ब्रैकेट में आप दे दो व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप बाय बी आई एन, कैपिटल बी आई एन भी लिख सकते थे,
पूरा बाइनोमियल क्यों मैं लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी सा है, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोला है, सो इट्स पूरा बाइनोमियल लिखोगे तो बेटर है, टू मार्क्स का क्वेश्चन और लिखना है मुझे इसमें। मेरे साथ क्या करोगे सब लोग? ठीक है, इसमें हम एक चीज और लिख देते हैं, अगर एक्स फॉलोज बाइनोमियल 300,0.4, एक्चुअली दिस शुड हैव बीन अ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन वैसे इन्होंने दे दिया, दिस शुड बी अ 3 मार्क्स, कोई नहीं। हम क्या लिखते हैं, अगर एक्स फॉलोज बाइनोमियल 300,0.4 तो अप्रोक्सीमेटली क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल क्या हो जाएंगे पैरामीटर्स, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कोई भी एक चल। मैं पूरा लिखूंगी अप्रोक्सीमेटली एक्स, अगेन आप ये भी लिख सकते हो, देखो एक्स फॉलोअर्स के लिए आप ये भी दे सकते हो, इट्स एंटायरली अप टू यू, नॉर्मल के लिए एन दे सकते हो, मैं दोनों चीज आपको लिख के बताऊंगी। फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे हम, 120, वेरी गुड, 120 कैसे आ रहे हैं, 120 कैसे आ रहे हैं, 300, वेरी गुड, इनटू 0.4 इक्वल टू 120, एंड वेरिएंस ऑफ या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ भी निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू व्हाट कैसे निकालते हैं, एन इनटू पी इनटू क्यू, एनपी क्यू, सो पूरा दिखाओ, 300 इनटू 0.4 इंटू 1 माइनस 0.4, क्यों मैंने 1 माइनस 0.4 के इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.6, आप लिख सकते हो कोई बात नहीं, 2 मार्क का है, बट अगर ऐसे लिखोगे एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि आप कैसे क्यों निकाल दो। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, 72, वेरी गुड, क्योर, बहुत ही सिंपल, दिस एक्चुअली शुड हैव बीन दिस डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई नहीं मैंने पूरा सम करके दिखाया आपको, बट क्लियर है। नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये निकाला पहले, ये लाइन मत लिखो, आई एम नॉट राइटिंग दिस लाइन फॉर एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट लाइन मुझे मैंने लिख दिया, सो अप्रोक्सीमेटली एक्स फॉलोज नॉर्मल 120,72, बट मेन थिंग यहाँ पे है कि आप ये करके दिखाओ कि 120 और 72 कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं मालूम ना आपने कैसे निकाला है, भले ही आपने पेन पेपर पे निकाल दिया, डायरेक्टली निकाल दिया, बट यू हैव टू शो इट टू द एग्जामिनर। 2 मार्क्स 3 लाइंस, 1 मिनट मैक्स, 2 मार्क्स 2 मिनट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, 2 मिनट्स, दैट्स इट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज मत लिखना, एनी वन, या तो ये लिखा हो या तो शुरू में ये लिख के फिर ये बता दिया पैरामीटर्स। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, सेकेंड पार्ट में आ जाओ, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है देखो, कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 100। तो एक्स हमने अब क्या बोल दिया, अप्रोक्सीमेटली क्या फॉलो करता है, नॉर्मल, हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी करेक्शन यूज, 2 मार्क्स का है, डायरेक्टली लिख देंगे यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन, क्योंकि आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहे हो। अच्छा देखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जब एंटर प्रेस किया तो 3 लिखा हुआ आ गया, बिकॉज ये बुलेट फॉर्म में। अब आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक ऑन बैक स्पेस, जैसे मैंने बैक स्पेस क्लिक किया चला गया, ये सब चीज माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट है, बट अगेन इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, ठीक है, बैक स्पेस क्लिक करो चला गया, ग्रेट। सो नाउ प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है एक्स इज ग्रेटर देन 100, मैं यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन मैंने लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल P लिखा, बहुत ही सिंपल, कुछ लग रहा है ऐसा टाइप कर रहे हैं, मैथमेटिकल टाइपिंग कुछ यूज कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा, बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ साथ टाइप करोगे तो बेटर रहेगा, आई डोंट नो व्हाई यू ऑल आर नॉट टाइपिंग, प्लीज ऑल ऑफ यू मेरे साथ साथ टाइप करो, आपको जो भी फिर दिक्कत आए बीच में पूछते रहना, बिकॉज दिक्कत तो आएगा। कोई भी हैंड रेस करके बताओ क्या होना चाहिए, यस आदित्य,
बोलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। 100.5। सिर्फ ऐसे लिखेंगे? सही है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है तो बता सकते? क्या गड़बड़ है? बहुत ही माइन्यूट सा है। एनीवन? यस पूनम। X अभी तो आप कंटिन्यूटी करेक्शन करते हो, याद है? बार्स बना रहे हो बेसिकली, तो 100.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 100.5 करेंगे। श्योर? वेरी माइन्यूट येट वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर CS1 पेपर। चलो कोई और पेपर होता चलता। CS1 में तो ये इसी पे तो हम बोलते हैं यस महक। मैम, मैम बट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो डजेंट मैटर, इक्वल बट इट उसका मतलब मैटर्स, बट इट मैटर्स। यहाँ पे डजेंट मैटर आप ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखो या ग्रेटर दैन लिखो, बट आप क्या दे रहे हो? CS1 पेपर दे रहे हो जो आपका यही सब चीज टेस्ट करता है ना? कंटिन्यूटी करेक्शन के बाद इट बिकम्स ग्रेटर दैन इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक्चुअली डिटेल्स में नहीं जाना, बट ओके। आप क्या कर रहे हो? आप एक एक का बार बना रहे हो ना, 100 101 वैसे करके, तो 100 वाला बार कहाँ से कहाँ जा रहा है? 99.5 से लेके 100.5 है ना? तो आप ग्रेटर देन 100 कर रहे हो, सो बेसिकली इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100.5, क्योंकि दिस इज नाउ स्टिल इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे, आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में सॉल्व करोगे, बट ये आपका अभी भी एक्स फॉलोज बाइनोमियल ही है। समझ रहे हो? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि आप अगर कोई दूसरे पेपर में हम ये चीज यूज करते हैं तो उस समय डजेंट मैटर। CS1 में टेस्ट ही आपका इस चीज के ऊपर है कि आप कंटिन्यूटी करेक्शन कर रहे हो कि नहीं, आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर रहे हो कि नहीं। 0.5 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन है, मुझे ध्यान रखना है, मुझे ज्यादा इलाबोरेट नहीं करना है। एक्स को जेड में चेंज कर, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। लेट्स डू इट डायरेक्टली, स्टैंडर्डाइजेशन डायरेक्टली करते हैं विदाउट यू नो वेस्टिंग एनीथिंग। हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? 100.5 माइनस 120 डिवाइड बाय 72 का स्क्वायर रूट, ये जेड हो जाएगा इधर। सो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वट एवर द नंबर इज कमिंग दैट आपको। अच्छा, फाइ हम कब लिखते हैं? मैं एक बार ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। फाइ हम कब लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी, सपोज मैं लिख रही हूँ जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, मैंने स्मॉल जेड लिखा, देखो दिस इज एक्चुअली राइटिंग फाइ स्मॉल जेड। इसको यहाँ आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट है, थ्योरी में आपने किया है। फाइ फाइ इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये मैं डिटेल्स में नहीं जा रही। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे? एनी वन? ऑल श्योर? ग्रेट, चलो। सो आई यूज दिस लॉजिक। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो 1 माइनस 5 होगा, ग्रेटर देन है तो 1 माइनस CDF करेंगे, लेस देन 1 माइनस लेस देन करके। आपको एक और स्टेप दिखाने, आप दिखा सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ उधर सॉल्व। तो ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट क्यों दिया मैंने? क्योंकि 100.5, 1 सेकेंड आई टेक द क्वेश्चन, 120 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरे का ब्रैकेट, इन फैक्ट इस एरिया थोड़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 72। यस जानवी, मैम ये फाइव कैपिटल में नहीं होगा क्या? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटायरली अप टू यू, अंडरस्टैंडेबल। जैसे वो इंटीग्रेशन में INT बोला ना, स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा। क्यों नहीं लिखा मैंने पता है? क्योंकि ग्रीक लेटर्स में हम स्मॉल में लिखेंगे। अगर आप इधर देखो सब कुछ स्मॉल में था। मैम इट वॉज मेंशन समवेयर कि इसके लिए कैपिटल यूज होता है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, आप कैपिटल फाइ स्मॉल फाइ, हाँ ठीक है कैपिटल फाइ लिखो। हाँ तो इस केस में राइट,
गुड पॉइंटिंग आउट, गुड, पी एच आई, या तो सिर्फ कैपिटल पी भी लिख सकते हो, गुड, क्योंकि दो फाई होता है ना, कैपिटल फॉर सी डी एफ इज फॉर कैपिटल एंड स्मॉल वाला इज फॉर पी डी एफ. स्मॉल वाला इज फॉर पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, कैपिटल फाई इज फॉर दिस इज पी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, दिस इज सी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल. गुड, यस. सो यू कैन राइट कैपिटल पी और यू कैन पूरा कैपिटलाइज, एंटायरली अप टू यू, बट हाँ कैपिटल होगा, करेक्ट. हाँ, ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है. अगेन, अगर हम सोचेंगे मार्क्स नहीं डिडक्ट हुआ, एंड क्या पता कोई, बिकॉज दो एग्जामिनर्स हमारा चेक करते हैं पेपर, तो एक एग्जामिनर हो सकते हैं मार्क्स डिडक्ट कर दे. ये आंसर मुझे एक बार बताओ ना क्या आ रहा है इसका. 1 - π - 2.298. वेरी गुड. इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही. सॉल्व करके सो बेसिकली 1 - π ये है, सो इट्स दिस ना. इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इट्स दिस राइट. 1 - ऐसे करो या ऐसे करो. अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फाइव, इफ यू आर कंफर्टेबल विद राइटिंग द एंटायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू पूरा ये चीज लिखना एंड देन कन्वर्ट करके लिखना, क्योंकि आप थ्योरी में वैसे ही सीख रहे हो जहां तक मुझे याद है, तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आप फाइव के साथ कंफर्टेबल नहीं हो. अगर आप हो तो आप फाइव के साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर इक्वली वैलिड. समझ में आया मैं क्या मैंने क्या बोला? जैसे आप थ्योरी में क्या करते हो, आप इसके बाद स्टैंडर्डाइज करते हो, तो आप यहाँ पे जेड लिखते हो और यहाँ पे पूरा वो करके दिखाते हो जो यहाँ पे मैंने किया है, तो आप वैसे वो वाला रूट फॉलो करो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू -2.298, जेड लेस देन इक्वल टू 2.298, एंड देन यूजिंग द टेबल बुक एंड सॉल्विंग दैट ऑल्सो यू कैन डू. अगर आप फाइव के साथ कंफर्टेबल हो तो ही यूज करना, अगर अभी आपको थोड़ा वेग लग रहा है मत करो, वो वाला प्रोसेस से ही जाओ. दिखाओ क्या वो चीज क्या आप लोग कर लोगे, एक बार थम्स अप देना, क्योंकि वो सिंपल है, सेम जैसा ही है. ठीक है, तो फाइव वाला अप्रोच अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मत करो, नया चीज नहीं सीखना है वर्ड में, वर्ड में हमें खाली टाइप करना है, तो अगर आप जेड वाला से कंफर्टेबल हो वो करो यूज बिंदास, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये आंसर आप लोग निकाल लेना, एंड यहाँ पे जस्ट हैव टू राइट द आंसर. मेक श्योर अगर आप टेबल बुक यूज कर रहे हो, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग टेबल बुक पेज नंबर एंड गिव द पेज नंबर वट एवर इट इज, आई थिंक अराउंड 190s का कुछ है. तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये हर जगह आपको, क्योंकि सीएसएल में तो काफी यूज करते हो, ये एक बार लिख दिया ना इस क्वेश्चन में, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से टेबल बुक यूज आएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट दिस एंटायर लाइन, जस्ट यू हैव टू चेंज द पेज नंबर. बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस डाउन. रेफरेंसिंग का बहुत इशू आ रहा है आजकल, आप लोग को रेफरेंसिंग देना है, उसका हम एक अलग से क्लास लेंगे, बट अभी से हैबिट बना कर यूजिंग टेबल बुक पेज नंबर दिस दिस दिस. क्लियर? ठीक है, ग्रेट. सो दिस यू सॉल्व इट, इसके बाद आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज यू जस्ट हैव, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो ज्यादा इंटरपोलेशन भी नहीं दिखाना है, जस्ट गिव द आंसर from the exam, from your table book. Okay, any doubt in this particular question? No? Let's take up second question. Again, chota se, do hi question karte hain aaj, then we'll move to the third one in my next class. Third question mein maine likh rakha hai, but we'll move to it in the next class. Okay. Hello. Second question, read karte hain. Let x1, x2, dot, 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 xn be a random sample consisting of independent random variables mean diav and mu, variance diav and sigma square. Sigma square कैसे लिखोगे? Sigma, S-I-G-M-A, caret 2, sigma square. ठीक है? Consider the sample mean, ये हमें x bar दिया है, x bar कैसे लिखोगे? X capital X bar. Summation, S-U-M, goes from 1 to n, xi, simple. ठीक है? In your answer, you may denote, देख लो, इन्होंने दे दिया, एग्जाम में नहीं देंगे,
म्यू इज बाय म्यू, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा टू भी लिख सकते हो, सिग्मा पोल कैरेट टू भी लिख सकते हो एन एक्स बार. राइट डाउन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बार, यानी कि आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालना है. क्या हो जाएगा कोई बताएगा मुझे? बहुत सिंपल, एक मार्क है, एक लाइन है, एक लाइन भी नहीं है. जस्ट रेज योर हैंड्स. व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, देखो मैंने आंसर टू लिख रखा है, आई विल जस्ट राइट दिस. चेंज किया मैंने, आपको पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार. कोई भी एक जन बताओ क्या होगा. व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार? CLT, एक्स बार क्या फॉलो करता है? वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड. न्यू खत्म. कुछ और लिखना था इधर? नहीं, मिल गए एक मार्क्स. येट आप लोग नहीं कर पाए आंसर. चलो सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्या है. डिराइव द वेरियंस, डिराइव बोला है. देर इज अ डिफरेंस इन द क्वेश्चन. यहाँ बोला है डिराइव, यहाँ बोला है राइट डाउन. डिराइव नहीं बोला, डिराइव बोलता तो पूरा इसको डिराइव करते, इसका एक्सपेक्टेशन लेते, बट राइट डाउन बोला था. यहाँ डिराइव बोल रहे तो पूरा डिराइव करके दिखाएंगे. मेक श्योर 2 मार्क्स का है खाली, तो एक या दो लाइन आएगा. चलो वेरियंस, कोई भी एक जन जस्ट रेज योर हैंड एंड मुझे समझाओ कैसे हम लोग करेंगे इसको पूरे को सॉल्व. दिस इज बेसिक CLP का सम. एक मैं चीज लिख सकती हूँ, ये पूरा चीज जाएगा एक्स बार, तो ये मैं एक हिंट दे सकती हूँ. हम लोग यहाँ लिखेंगे सम, आई ओपन ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक, सो 1 कॉमा एन कोलन, किसका सम कर रहे हैं, एक्स आई का सम कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय एन. एक चीज करना है खाली, इधर मैं इधर ये वाला ब्रैकेट दे रही हूँ, एंड क्योंकि ये थोड़ा अजीब हो जाएगा तो इधर एक और ये हटा के ऐसे कर देते हैं. ठीक है, बोलो. ये मैंने क्यों किया, सम ऑफ 1 to n एक्स आई, क्योंकि एक्स आई का खाली सम है. पहले जो मैंने एक ब्रैकेट में एक्स आई बाय एन लिखा था उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा समेशन एक्स आई बाय एन, मतलब एन भी समेशन के अंदर जा रहे हैं. पर एन सम एन अगर समेशन के अंदर ले लोगे तो इट्स बेसिकली एन इंटू एन, है ना. एन को आप समेशन कर रहे हो एन टाइम्स, एन इंटू एन, बट एन समेशन के अंदर नहीं है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये अलग से है. अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि एग्जामिनर समझेगा या नहीं, तो एक और ब्रैकेट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और इधर मत दो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो. इज इट फाइन? कंफ्यूजिंग लग रहा है, इधर दूसरा ब्रैकेट दे दो. अगेन इतना आपको मेहनत नहीं करना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये चीज क्लियर हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट. चलो कोई भी एक जन क्विकली मुझे बताओ इस पूरे को सॉल्व कैसे करेंगे, एंड देन आई विल जस्ट सॉल्व इट. कोई भी एक जन जस्ट रेज योर हैंड. प्रियांशी ट्राई करना है. मिस, वन अपॉन एन को बाहर देंगे तो 1 अपॉन n² हो जाएगा, तो 1 अपॉन n² ऑफ वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई, तो वो हो जाएगा एन सिग्मा स्क्वायर, तो एक एन और नीचे वाला डिनोमिनेटर का एन कट हो जाएगा, तो फिर होएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. एन बाहर ले लेंगे, वेरी गुड. एक चीज और करेंगे, क्योंकि क्या है इंडिपेंडेंट आईडी है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सम को भी बाहर ले सकते हैं, ये वाला सम समेशन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई हो जाएगा, दैट आल्सो यू कैन डू, राइट. तो दोनों चीज सेम स्टेप में दिखाते हैं, 2 मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स है नहीं. सो आई विल जस्ट राइट सम ब्रैकेट में 1 कॉमा एन, है ना, एंड देन किसका सम ले रहे हैं,
कोलन दिया, वेरियंस ऑफ एक्स आई, एंड ये पूरा चीज डिवाइडेड बाय, सो बेसिकली यहाँ पे एक और ब्रैकेट दे देंगे तो सही रहेगा, एन स्क्वेयर. इज इट क्लियर? क्या किया मैंने, ये सम भी तो बाहर आ जाएगा बिकॉज क्या है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स आईज, तो सम बाहर आ गया, समेशन गोज फ्रॉम वन टू एन, वेरियंस ऑफ एक्स आई. अब वेरियंस ऑफ एक्स आई क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, बट यहाँ पे एक चीज लिखना था क्या, ये लॉजिक से ये क्यों यूज करते हैं, ये वाला लॉजिक सम को बाहर लेने वाला, कब यूज कर सकते हैं, जब एक्स आई क्या होता है, पूरा आई आई डी नहीं लिखते सुमेधा, खाली इंडिपेंडेंट लिखते हैं. एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट, ये तो गलती है ना, पूरा आई आई डी थोड़ी लिख देंगे. आइडेंटिकल का क्या प्रॉपर्टी यूज किया आपने इधर, इंडिपेंडेंस का प्रॉपर्टी यूज किया ना, एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट तभी समेशन बाहर आ गया है ना. चलो ये मिस्टेक होता है, तो इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से. वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज सिग्मा स्क्वायर, समेशन है बाहर एन इनटू एन इनटू सिग्मा टू बोला है यूज करने, आप ये भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे दिया तो टू यूज करेंगे, कैरेट भी यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय एन कैरेट टू. चलो सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है सॉल्व करके, सिग्मा टू बाय, वेरी गुड प्रियांशी, हाँ गुड, सो सिग्मा टू बाय हो गया सॉल्व, हो गया इजी. ये अगर नहीं लिखोगे 0.5 मार्क्स चला जाएगा. ये मैंने क्या किया, जो प्रियांशी ने दो स्टेप में बोला मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, टू मार्क्स का. कोई भी डाउट इधर मेरे साथ साथ करोगे तो बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. कमेंट ऑन द वेरियंस ऑफ वेरिएबल एक्स बार एज कंपेयर टू द वेरियंस ऑफ एक्स आई. एक्स आई का वेरियंस क्या है, एक्स आई का वेरियंस क्या है और एक्स बार का वेरियंस क्या है, कोई बताओ मुझे, क्या कमेंट करोगे इस पर. एक जगह आप सैंपल मीन का वेरियंस ले रहे हो और ये एक्स आई का वेरियंस ले रहे हो. एक्स आई का वेरियंस क्या है सबसे पहले तो ये बताओ, और एक्स बार का वेरियंस क्या है जो हमने ऑब्वियसली इधर निकाला है सिग्मा टू बाय एन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, एनी वन ऑफ यू. एक लाइन नहीं लिखना है इधर खाली, क्योंकि एक मार्क का है. कोई भी इच्छन अनम्यूट करो या फिर हैंड रेज करो. जानवी ने लिखा है दैट वेरियंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स, तनिष्क ने लिखा है वेरियंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स आई बाय एन, ठीक है. सो वेरियंस ऑफ एक्स बार इज एक्चुअली इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स आई बाय एन, सो बेसिकली वेरियंस ऑफ एक्स आई क्या है, सिग्मा स्क्वेयर, ठीक है. तो आप ये चीज लिख सकते हो, ये चीज आप लिख सकते हो इधर, दिस इज इक्वल टू, देख लो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है. वेरियंस ऑफ, कोई फायदा नहीं ना वापस से पूरा पूरा चीज देख के, डिवाइड बाय एन, राइट, एज वेरियंस ऑफ एक्स आई इज. तो कमेंट क्या देंगे इधर, ये तो आपने खाली लिखा कि क्या है, कमेंट क्या दोगे. वेरियंस ऑफ एक्स आई सिग्मा टू, वेरियंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा टू बाय एन, सो कम हो गया ना, कम हो गया, कम हो गया. तो आप क्या लिखोगे, सिंपली दैट द वेरियंस ऑफ सैंपल मीन
is smaller as compared to the variance of individual random variable. ठीक है, लिख देते हैं, चलो टाइप करते हैं, पूरा टाइप करते हैं. द वेरियंस ऑफ सैंपल नेम इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल बाय अ फैक्टर ऑफ 1/n. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी डाउट इधर बहुत सिंपल था, बट आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट इंटरैक्टिंग. एंड एक्चुअली इज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ क्लेम लॉसेस फ्रॉम टू इंश्योरेंस पोर्टफोलियो. तो एक्चुअली किसमें इंटरेस्टेड है? साइज ऑफ क्लेम, क्लेम साइज दो अलग अलग पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है ऑफ द क्लेम साइजेस ऑफ द लॉसेस. बेसिकली अगर कोई, हमने सपोज एक कंपनी है जो मोटर इंश्योरेंस जो बेचता है दो अलग अलग काइंड ऑफ लोगों को, दो अलग अलग पोर्टफोलियो, तो उनसे क्या डिफरेंस है क्लेम लॉसेस जो आ रहे हैं उन साइज का क्या डिफरेंस है वो समझने का कोशिश करें. एंड कैन टेक सैम्पल ऑफ क्लेम्स फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो. तो एक पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़ा साइज है, आई एम जस्ट टेकिंग अ सैम्पल ऑफ 10, इसमें से भी आई एम टेकिंग अ सैम्पल ऑफ 10. एक्सप्लेन हाउ योर आंसर टू पार्ट 3 कैन अफेक्ट द प्रिसिशन ऑफ एक्चुअरीज कंपैरिजन. एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सैम्पल ले रहे हैं दोनों पोर्टफोलियो का एंड देन उनके डिफरेंस ऑफ साइजेस को कंपेयर कर रहे हैं. नाउ हाउ इट कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, कौन समझाएगा बताओ? यस, आपने कहा मैम. सो बेसिकली सिंस वी आर सेइंग दैट द वेरिएंस इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज व्हिच if compared to variance of xi is smaller in terms of the factor of n, 1/n, then jo n, the n, the sample, the size that we're considering of the claims, if it increases, then we'll have a variance which is lesser. So maybe that's how we can comment ki the n basically is determining the variance of. एक्चुअली तुमने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से. आई एम गेटिंग द लॉजिक जो जो तुम बोल रहे हो, बट एक्सप्लेन नहीं है ठीक से. सो इट्स वेरी सिंपल, दो मार्क है. यू जस्ट हैव टू राइट टू थ्री टू लाइन्स यहाँ पे. सबसे पहले तो अगर आप इंडिविजुअल वैल्यूज लो, इंडिविजुअल क्लेम्स लो बोथ द पॉपुलेशन से, दैट इज ऑब्वियसली लेस प्रिसाइज दैन टेकिंग अ सैम्पल. एंड सैम्पल कब रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलेशन को? व्हेन द सैम्पल साइज इज ह्यूज, राइट? यू हैव टू राइट डाउन दिस लॉजिक. तो आपको सिंपली ये लिखना है दैट द इंडिविजुअल क्लेम वैल्यूज विल बी लेस प्रिसाइज देन टेकिंग द एवरेज ऑफ अ सैम्पल. दैट इज द रीजन कि वो क्या कर रहे हैं, सैम्पल ऑफ क्लेम्स दे रहे हैं रादर देन वन इंडिविजुअल सैम्पल. यूज एक लेने के बदले वो सैम्पल्स दे रहे हैं, नंबर ऑफ basically sample sizes and usko uska average nikal rahe. So actually the actually should take a large sample size, should be larger, taki aap usko actual se compare, actual portfolio se compare kar pao and dono portfolios ko compare kar pao. So it's yahan pe CLT ka hi question lag raha hai na, to aapko kuch us terms mein hi relate karna tha, clear? And yahan pe bhi humne yahi logic lagaya. Kya logic lagaya? Variance of x bar kam ho jata hai. कम होने का क्या मतलब है कि वेरिएबिलिटी कम हो रहा है. सपोज सुमेधा ने एक दो पोर्टफोलियो में से एक एक लिया, एक वैल्यू इसमें से लिया, एक वैल्यू इसमें से लिया, एंड उसका शी इज कैलकुलेटिंग वेरिएंस एंड उसमें शी इज हैप्पी एंड शी इज स्टेटिंग अ समथिंग, उसका कंक्लूजन. व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ से 20 ले रही हूँ, यहाँ से 20 ले रही हूँ,
उसका मीन निकालती हूँ, उसका एवरेज निकाल के फिर मैंने वेरिएंस एंड ऑल कैलकुलेट किया। आई विल बी मोर प्रिसाइज नाउ बिकॉज मेरा वेरिएबिलिटी हैव रिड्यूस्ड। एट द एंड आपको क्या करना है, वेरिएबिलिटी रिड्यूस करना है, तभी तो सैंपल विल बी इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन। एन एन अगर बड़ा होता है तभी तो, सो आई एम गोइंग इन टू अ CS1 का पूरा लॉजिक वाला चीज। चलो लेट्स नाउ स्टार्ट राइटिंग जस्ट क्विकली। इसमें तो कुछ था नहीं, इसमें खाली वर्ड्स में लिखना है, तो इसमें मैथमेटिकल टाइपिंग जैसा कुछ भी नहीं है। सो वी विल जस्ट, यू ऑल कैन टाइप इट डाउन विथ मी। इंडिविजुअल क्लेम्स आर लेस प्रिसाइज दैन द एवरेज ऑफ अ सैंपल, क्योंकि हम एक्स बार ले रहे हैं। तो एक्चुअली शुड take large samples and compare the means to improve the precision of comparison. सिंपल। तो CS1 पूरे में जब आप पेपर सॉल्व करोगे, टाइपिंग आप देखोगे ज्यादा है एंड मैथमेटिकल टाइपिंग का कंटेंट इज वेरी स्मॉल। ये वाला सम मैं नेक्स्ट क्लास करूंगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड मैं एक और सम करवाऊंगी विद टेबल्स। तो यहाँ पे यू हैव सीन कि कितना कम है, जहां पे भी है थोड़ा ध्यान से लिखना होता है बिकॉज इट्स पूरा एलजेब्रा, पूरा स्टेटिस्टिक्स। But again, it's very simple as you compare it with any other paper. CS1 is simpler. Typing, जैसे मैंने अभी type किया, you all can now get the speed. मेरा actually और ज़्यादा speed है if I keep my laptop properly in a proper position. आपको उतना speed तक आना है, और आप कैसे आओगे if you practice it every day 1 hour at least. ठीक है? So आज के लिए इतना ही करते हैं. This is a head start which I've given you. So that you know you can in the coming days you can start practicing at least. If you all have any doubt, you all can just raise your hand and ask, and we'll keep more classes jahan pe aap log apna doubts pooch sakte ho. If you have anything else, you can send it in group, ya fir you can personally message me, koi problem nahi. Ma'am, for the chapter on hypothesis testing, no, you cannot draw anything. Graph nahin draw kar paoge tabne ka. And it's not there. They'll not ask you to draw anything. And even if you want to, you cannot draw it in all. That feature is not there. Simply stated in the form of a sentence. You will not be expected to draw anything. Okay? Diagrams nahin rahenge. Anything else? Anyone? Nahin? प्लीज स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, इट्स एंटायरली अप टू यू। आपको एग्जाम तो वर्ड में देना है, तो अगर आपको लग भी रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, बट अगर आप वर्ड में नहीं कर रहे हो तो आप इनफैक्ट नहीं पढ़ रहे हो। सो स्टार्ट इट बाय टुमारो। 10 पीस दो, इम्प्रूव योर स्पीड टू इम्प्रूव योर एवरीथिंग, एंड देन यू नो स्ट्रेट अवे स्टार्ट टाइपिंग इन वर्ड। ओके, वी मीट इन नेक्स्ट क्लास, एंड इफ यू ऑल वॉन्ट यू ऑल कैन सेंड इट टू मी इन टेलीग्राम पर्सनली सॉल्व कर करके, सो दैट यू नो आई विल अंडरस्टैंड कि आप कर रहे हो राइट। Okay, so this is all for today. Bye, good night.